आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम शांति नमस्कार आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बीइंग्लिस बीइंग ब्लिस सिस्टर सुबह जब आपने मुझे ये नाम बताया तब मैंने कुछ पढ़ा mm -hmm. और मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं इज इट ओके फॉर यू एब्सोल्युटली। बीइंग बींग सुनने के बाद ये मुझे इतना सुंदर लगा अ लगाडी सेज वेन आई वॉज फाइव ओल्ड माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी दैट हैप्पीनेस वॉज द की टू लाइफ वेन आई वेंट टू स्कूल दे आस्ट मी वॉट आई वॉन्टेड टू बी

और अपने आप से पूछे Have I understood life? क्योंकि आज अगर हम अपने जीवन में भी देखें बचपन से हमें यही पूछा जाता है या सिखाया जाता है वो डू वॉन्ट टू बी वन यू ग्रो हमें क्या बनना है या हम भी अपने आप से ये पूछते हैं मुझे क्या बनना है नहीं साथ हम फीड भी करते मेरा बेटा पायलट बनेगा ना आपने तो अपने, अपने तो बनेगा आ, ना। हाँ और फिर जैसे आपने कहा मैं ये हूँ तो तुम भी ये बनोगे अगर मैं डॉक्टर हूँ मेरा हॉस्पिटल है तो मेरा बच्चा भी आगे डॉक्टर बनेगा अपने पिता का नाम रोशन करेगा अपने माता का नाम रोशन करेगा विच इज अ गुड था बट उसके पीछे हुआ क्या एक गोल एक एम ऑब्जेक्टिव रखा कि वट डू आई वॉन्ट टू बी राइट एंड बी हैड अ लिस्ट ग्रेजुएशन पास करेंगे फिर आप यहाँ एडमिशन लेंगे फिर आप ये वाले प्रोफेशन में जाएंगे देन आप उसमें इस तरह करियर लेंगे सो इट वाज़ ऑलवेज वट यू वांट टू बी वो समथिंग आउटसाइड लेकिन उसमें भी जीवन का जो लक्ष्य था कि आपको ये सब क्यों बनना है ये सब मुझे इसलिए बनना है क्योंकि ये सब बनने के बाद मुझे पैसा मिलेगा फेम मिलेगी रिस्पेक्ट मिलेगी अच्छा वो क्यों चाहिए क्योंकि जब वो मिलेगा अच्छा परिवार मिलेगा समाज में एक पोजीशन मिलेगी अच्छा फिर वो मिलेगा तो क्या मिलेगा फिर मुझे खुशी मिलेगी लेकिन सिस्टर ये टीचर ने क्या कहा कि आप बड़े होके क्या बनोगे ठीक है वो अपनी तरफ से वो तो प्रोफेशन ही पूछ रही है कि बड़े होके भाई कोई बोलता है इंजीनियर डॉक्टर हमारे जमाने में तो दो ही शब्द थे इंजीनियर डॉक्टर आज आ गया कंप्यूटर ठीक है कोई हो गया टेक्निकल तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर ठीक है और कोई भिड़े आई एस ऑफिसर का बेटा बोलता आई ए एस आई पी एस आई एस तो चलता है बट इसका जवाब इतना सुंदर था कि ये कहती मैं बड़ी होके हैप्पी बनूंगी तो उसको फिर क्यों बोला कि तुमने सवाल नहीं समझा क्वेश्चन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दी असाइनमेंट कहती है टीचर राइट बिकॉज है be, हमेशा कुछ बाहर था राइट right? आपको क्या बनना है तो मतलब आपको जैसे आपने कहा कि आप कोई ना कोई प्रोफेशन या कोई ना कोई करियर ही लिखेंगे लेकिन शी सेज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट hmm. मतलब हैप्पी नहीं लिखना था उसमें ये कौन सी चीज है जो आपको बननी है तो आपका आंसर ही रॉन्ग माना गया कि ये थोड़ी वो चीज है जो आपको बननी है बनना है मतलब वो एक लिस्ट है ओ तो अब अच्छा आपसे बात करते-करते समझ में आया कि इस लड़की ने उसका अंत

फिर मैं ये एक छोटे बच्चे को देखो स्कूल में है मैं खुश कब हूँ जब स्कूल पूरा हो जाएगा गिव माय स्टैंडर्ड फिनिश एवरीथिंग और देन आई विल बी वेरी हैप्पी नहीं उससे पहले तो बस छुट्टी है छुट्टी हां छुट्टी आएगी तो जाएगा डैडी मम्मी घुमाने ले जाएंगे वेरी गुड तो उसने कहां रखा अपनी खुशी को 6 महीने बाद या एक साल बाद फिर उसके बाद अपनी खुशी को कहाँ रखा जब मैं टेंथ का एग्जाम पास कर लूंगा ना ये सब टेंशन खत्म हो जाएगी ना देन आई विल बी हैप्पी उसके बाद अपनी खुशी को कहाँ रखा ट्वेल्थ पूरा हो ना देन आई विल बी हैप्पी

मैं, मैं, बोल रहा, मैं, मैं कहता था ये मेरा स्ट्रगल है हाँ, स्ट्रगल इज ओके okay, लेकिन स्ट्रगल कहाँ तो स्ट्रगल an बाहर, मतलब मेहनत ढूंढना काम करना okay. वो स्ट्रगल कैरी होती है सिस्टर रात को नींद में भी स्ट्रगल होती है नींद भी नहीं आती है मतलब परेशान फलाने प्रोड्यूसर से मिलने जाना है फलाने पिक्चर बन रही है ठीक है ये करना है ये करना है ये करना है लेकिन जब ये सब हो जाएगा एंड मुझे जब फर्स्ट रोल मिल जाएगा तो खुश हो देन आई बी हैप्पी फिर जैसे ही वो फर्स्ट रोल मिलेगा ना देन इट विल बी जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी एंड ये हिट हो जाएगी देन आई विल बी हैप्पी ठीक है फिर थोड़े दिन वो हैप्पी फिर उसके बाद आएगा अब फर्स्ट मूवी तो हिट हो गई लेकिन अब इसके बाद अब ये तो नहीं है ना कि इट शुड बी आई शुड बी जस्ट वन मूवी स्टार तो फिर मेरी नेक्स्ट अब ये होगा ना ये होगा ना देन आई बी हैप्पी अब इस सारे में हुआ क्या एक साल एंग्जाइटी इनसिक्योरिटी फियर एंड एक साल बाद जब फर्स्ट मूवी मिली हैप्पी ओके हैप्पी थोड़ी देर के लिए फिर उसकी शूटिंग शुरू हुई मूवी की फिर एंजाइटी फियर एप्रिहेंशन फिर जिस दिन रिलीज हुई और बहुत अच्छी हो गई हैप्पी hmm. ये हर एक के जीवन में हो रहा है जॉब मिली लेकिन अब उसके बाद क्या ये पोजिशन पर मैं पहुंचूंगा ना तब देन आई बी हैप्पी जैसे ही वो पोजिशन अचीव हुई थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा उसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट टारगेट रेडी है फिर अब इसमें क्या हुआ सपोज एक साल वो पीरियड है जिसको आपने स्ट्रगल पीरियड कहा विच इज इन एवरी करियर ऑन एवरी फेज ऑफ लाइफ तो आई आई द बींग मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया एक साल परेशान hmm. उसके बाद खुशी वी हैव एक्सेप्टेड दिस ना एक साल तो परेशान होंगे accepted उसके बाद नहीं है ये हाँ, ये नॉर्मल के साथ होता है जो हम इट्स लाइक अ प्रोग्राम ठीक है आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं उसकी हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं एक हम सॉफ्टवेयर लेंगे उसकी कोडिंग करेंगे उस कोडिंग में हम करते हैं इफ दिस एंड दिस दिस एंड दिस ठीक है तो इफ में हम एक कंडीशन रखते हैं इफ दिस इन दिस देन दिस इन दिस फिर जैसे हम सिस्टम ऑन करेंगे और कोई की को दबाएंगे अगर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और देखेगा ये और ये एंड की प्रेस हुई देन दिस विल बी आउटपुट ऑन द स्क्रीन परफेक्ट तो विच मीन्स जैसी प्रोग्रामिंग वैसी आउटपुट तो मैंने अपने मन को प्रोग्रामिंग क्या दी एक साल एम्बिशन की मैंने मन को प्रोग्रामिंग अम्बिशन की प्रोग्रामिंग साल में दुखी रहूंगा पैदल चलूंगा ये करूंगा चलेगा मुझे एक दुखी होना और पैदल चलना इज टू डिफरेंट थिंग्स एक साल में पैदल चलूंगा बहुत मेहनत करूंगा एक एक के पास काम ढूंढने जाऊंगा परफेक्ट लेकिन एक साल में परेशान रहूंगा लेट्स लुक एट इट चॉइस देखिए एक साल में अगर सपोजिंग मैं लगाता हूँ और एक का डेढ़ हो गया

ये कॉमन हो या नेचुरल हो आज सुबह साढ़े पाँच बजे मैं उठा ठीक है और मैंने कहा चलो आज इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं सिस्टर के साथ शूटिंग है गर्म पानी नहीं आया कोई तकलीफ़ नहीं मैं ठंडे से नहा लिया निकलने के बाद मुझे एक जगह शूटिंग करनी थी लोकेशन हम ढूंढने गए सब रेडी हुआ अब इतनी आवाज़ें चिल्ला चिल्ली आज छुट्टी का दिन है मालूम नहीं अब वो जो ढूंढ रहे थे हुँ? तो तब तो मैं था ना कि लोकेशन अच्छी मिले जहाँ हवा भी ना हो आवाज़ भी ना हो तब तब जाके मुझे खुशी मिलेगी, राइट right. होगा कि सुबह उठे भी, तो नहीं है अरे वाह क्या मजा छब्बीस तो जनवरी की छुट्टी है ईद की छुट्टी है लोग आके नाच रहे और मेरी शूटिंग खराब होगी वेरी गुड आई एम सो है थर्टी हम तैयार हुए लेकिन हमें लोकेशन नहीं मिली वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट जो काम सात बजे शुरू होना चाहिए था तो बजे क्या बज गए हाँ। अभी भी नहीं हुआ ऑब्स्टिकल इन लाइफ आपने गोल रखा गोल साढ़े सात बजे पहुंच गए दो बजे तक अभी तक नहीं हुआ ऑब्स्टिकल मतलब परिस्थितियां आएंगी जीवन में आएं। आएंगी लेकिन मैंने जो यहाँ कंडीशनिंग सी दैट्स द प्रोग्रामिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट थी कि काम जाके शुरू हो

तो खुशी नहीं लेके जाता था मैं घर वो तो फिर भी शाम की बात है पूरा दिन कैसा बीता इंतजार में इंतजार में एंगजाइटी में में फियर में और हो तक तो टेंशन टेंशन तो मतलब अब सपोज शाम को आप बोल रहे हो सौ कम पर ये भी तो हो सकता है दो सौ ज्यादा हो प्रॉफिट बट लेकिन शाम को होगा इम्पोर्टेंट इज जर्नी डेस्टिनेशन हमने जो अपनी प्रोग्रामिंग कर दी है जिसको आज हम नेचुरल कह रहे हैं मैं जर्नी पर चलूँगा जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगा तब मैं खुश होऊँगा। ये मेरी प्रोग्रामिंग है और क्योंकि ये मेरी प्रोग्रामिंग है सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग थी क्योंकि खुशी यहाँ है मुझे खुशी तक पहुँचना है सी फाइनल एम ऑफ लाइफ खुशी चाहिए तो मुझे खुशी तक पहुँचना यहाँ अब क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ चलना शुरू हुआ और अगर मुझे खुशी तक पहुंचने में थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टिकल आया कोई व्यक्ति आया बीच में जो मुझे लगा मुझे अपनी खुशी तक पहुंचने में रोक रहा है फिर जैसे आपने कहा वो मेरा दुश्मन बन जाता है अब कुछ भी अगर नहीं आया तो भी एक डर रहा क्या मैं पहुंच जाऊंगा इंसान ही नहीं परिस्थिति भी दुश्मन हो जाती है, है। हाँ। जा हाँ। आज मौसम मेरा दुश्मन है मैं वो मेरे यहाँ से यहाँ पहुंचने में ऑब्स्टिकल है एक है वो चीज मेरे काम में ऑब्स्टिकल है फाइन लेकिन एक है वो चीज मेरी खुशी के बीच में ऑब्स्टिकल है टू डिफरेंट थिंग्स काम ना? फिर लोग बचपन से मैं तो यही सुनते आया है ना वर्क इज वर्शिप काम में कर्म योगी आप फिर से वही वाली बात लो सुबह साढ़े सात बजे जो करना था वो दो बजे तक नहीं हुआ वन टू थ्री फोर सिचुएशन है मेरे काम में बाधा है इज वन थिंग लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ये हो गई जब वो काम पूरा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी तो फिर वो चीज़ किस चीज़ में बाधा बन गई काम में सिर्फ बाधा नहीं बनी

देन आई विल बी हैप्पी अदरवाइज अदरवाइज अगर काम नहीं हुआ Unhappy. अनहैप्पी कंडीशनिंग डिस्टर्ब करेगा तो अनहैप्पी एंड फिर हमने सेकंड में उसमें कहा तो फिर इरिटेशन एंगर एंड फियर ऑल्सो समटाइम्स इनसेक्योरिटी ऑल्सो फिर अगर कोई लोग बीच में आ गए जो जो मेरे रास्ते पे मेरे से जल्दी पहुंच रहे हैं आगे hmm. तो फिर जेलसी ऑल्सो तो हमने कहा ये सब भी नेचुरल फिर तो हुआ? हुआ? लगता है अभी हाँ, नेचुरल अब क्या हुआ हम अपने जीवन की यात्रा पर चले गोल सेट करते गए कि मुझे ये करना ये करना ये करना सिर्फ करने के भी गोल्स नहीं सेट किए क्या क्या खरीदना है उसके भी गोल सेट किए मुझे ये लेना है ये लेना है ये लेना है एंड जैसे आपने कहा प्रोग्रामिंग होगा तब आईल बी हैप्पी होगा तब आई वल बी हैप्पी होगा तब आई वल बी हैप्पी कुछ चीजें समय पर आती गई कुछ चीजें मिलने में थोड़ी सी रुकावट आई कई चीज़ें मिलने में बीच में लोग बाधा बन गए कई चीज़ों में मेहनत की सब कुछ क्या सब सही जा रहा था बीच में कोई बात आ गई मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला कई चीज़ों में तो सब कुछ ठीक था कोई परिस्थिति नहीं थी प्रॉब्लम नहीं थी कोई लोग प्रॉब्लम नहीं थे लेकिन फिर भी जो मैंने रिजल्ट सोचा था कि मैंने यहाँ पहुंचना है वो नहीं पहुंचा कई बातों में जो समय सेट किया था कि एक साल में मुझे पहुंचना था दो साल हो गए मैं वहां पे नहीं पहुंचा ये हम सबके जीवन में आया है अब अच्छा कई चीजों में ये भी हो सकता है कि एक साल सोचा था छह महीने में पहुंच के ये भी हो सकता है सिस्टर आप की बात में एक बात याद आई जब मैं हैदराबाद में रहता था यहाँ जहाँ शूटिंग हम कर रहे हैं आज से कुछ चालीस साल पहले एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैंने कहा कैसा रहा इस साल बिजनेस में उसने कहा कि यार मेरा एक लाख का लॉस हो गया तो मैंने कहा तो एक लाख का लॉस हुआ तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है नहीं यार वो प्रॉफिट में लॉस हुआ मैंने तीन लाख का प्रॉफिट सोचा था तो दो ही हुआ right. तो दुखी है वो एब्सोल्युटली क्योंकि जो लक्ष्य सेट किया था वो लक्ष्य नहीं अचीव किया नहीं अचीव किया मेहनत की जर्नी भी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि जर्नी पे कहा था यहाँ पहुंचेंगे देन आई विल बी हैप्पी एंड फिर जहाँ पहुंचे वो भी अगर अपने सेटिंग के हिसाब से नहीं था देन ऑल्सो आई एम नॉट हैप्पी अच्छा लेट्स एट इट वेरी सिंपली मुझे एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पैदल चल के जाना है hmm. कुछ नहीं करना है अभी जीवन का लक्ष्य नहीं छोटा लक्ष्य लेते हैं यहाँ से यहाँ पैदल चल के जाना है एक है क्योंकि अन ईवन लैंड है पेड़ भी हैं बीच में कांटे भी हैं सब कुछ है ये जिस जगह पर हम बैठे हैं दिस इज वेरी सिमिलर टू लाइफ ठीक है कहीं से भी सडनली एक कांटा चुपता है कहीं से भी धरती अनइवन है पैर कहीं नीचे चला जाता है कहीं से भी एक ऑब्स्टिकल आता है कहीं से एक जानवर बीच में आ रहा है दिस इज़ माई लाइफ एंड इसमें मैंने सेट किया मैं यहाँ से यहाँ चल के जा रही हूँ ठीक है पहले तो लक्ष्य को देखा तो एक थाट फियर की क्रिएट हो गई पहुँचूँगी या नहीं जो टाइम सेट किया था तब पहुँचूंगी या नहीं अगर लोग मेरे से पहले पहुँच गए कोई और मेरे से पहले पहुँच गया तो ये सारे थाट्स मेरे पहले से ही क्रिएट हो गए अब मैंने चलना शुरू किया अब चलते चलते इरिटेट भी हुई ये कैसा रास्ता है कोई और रास्ता नहीं मिला इनको कहाँ लेकर आ गया बीच में कांटे भी आ रहे हैं मोस्ट ऑफ अस टुडे वी आर सेइंग कैसी जीवन है ये कोई जीवन है ये कोई दुनिया है ये क्या दुनिया बनाई है भगवान ने मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि जीवन ऐसी है इट्स नॉट वन स्मूथ हाईवे Hmm. जहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं है मेरे कंपटीशन में एंड स्मूथ मैंने ड्राइव की मेरी जीवन वैसे नहीं, नहीं है बट अगर ये नेचुरल राइट नहीं होता तो देखिए बचपन में हमने गाना भी सुना था हाँ दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीना ही पड़ेगा जहर भी पीना तो पड़ेगा मतलब सारे के सारे लोग रॉन्ग थे आपके हिसाब रॉन्ग और राइट नहीं है ये मेरा जीवन है मुझे इस जीवन में यहाँ से यहाँ चल के जाना है अब मुझे अगर अपने आप से पूछना है मुझे जीवन में क्या चाहिए तो मेरे को मन ने आंसर दिया खुशी फाइनल तो हर एक को क्या चाहिए खुशी अब सेकेंड क्वेश्चन मैं अपने मन से पूछूँ अगर मुझे यहाँ से वहाँ चलने में एक साल लगने वाला है हुँ. तो मुझे ये तैयारी करनी है कि यहाँ पहुँचने के बाद खुशी या मैं थोड़ा सा अपने को दूसरी तरह से अगर तैयार करूँ और मैं कहूँ खुशी तो यहाँ भी है अभी चलना नेचुरल को कॉमन बोल दिया तो मैं अभी क्या करू अगर चॉइस no, no, अगर, अगर, लाखों में से हंड्रेड में से नाइन एट परसेंट ये करते हैं तो अब उस चीज को नेचुरल का कॉमन कर दिया आपने अभी एक सेकंड के लिए अगर ये सही नहीं होता तो सब करते? It is not necessary what everyone बच्चा is, क्यों करते इट इज नॉट नेसेसरी वी वन क्यों बचपन में मुंह में चॉकलेट जाने के बाद हंसता है फर्स्ट इट इज नॉट नेसेसरी वरी वन इज डूइंग इज राइट

सभी right लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना हाँ, चाहिए जैसे कोई एक खाने का तरीका आज जंक फूड खा रहे हैं सपोज हम अब बच्चा कहेगा मम्मी मेरी क्लास में तो सारे ही खा रहे हैं। मेरे तो सारे ही दोस्त बर्गर तो खा तो 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 रहे हैं। इट्स नॉट लेट्स बी वेरी क्लियर इट्स नॉट व्हाट एवरीवन इज डूइंग इज मी for me again i'm not going to be talking about right for everybody or wrong for everybody right for me क्यों right for me क्योंकि आज मैंने देखा कि मैंने सबकी तरह अगर अपने जीवन को चलाना शुरू किया और उसी तरह से चलता गया जैसे सबको सब कुछ मिला मुझे भी सब कुछ मिला लेकिन जैसे सारे आज अभी तक खुशी मांग रहे मैं भी अभी तक खुशी मांग रही हूँ और ये भी तो हो सकता है ना कि मैं फिर अकेला हो जाऊँगा सबसे सब अलग अगर जीऊँ तो Important और जो दुनिया कर रही है मैं नहीं करूं तो मैं अकेला सी अगेन अगर हम दस लोग इस जंगल में चल रहे हैं जंगल हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं हम दस लोग यहाँ चल रहे हैं हर एक ने अपना गोल सेट किया इधर से उधर पहुंचना है चलने का तरीका हर एक का अलग अलग होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या सोचते और महसूस करते हुए चलना है वो हर एक का अलग अलग होगा सपोज हम दो लोग ही जूते कोई नंगे पैर भी तो है ना हाँ लेकिन लेट्स लुक एट इट सपोज हम दो लोग चल रहे हैं इस जंगल में सपोज आपको प्रकृति बहुत सुंदर लगती है नेचर बहुत अच्छी लगती है आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं लेकिन योर थिंकिंग एंड योर फीलिंग वाइल्ड वॉकिंग फ्रॉम योर टू योर इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एक एक पत्ता देखो कितना सुंदर है परमात्मा ने क्या सृष्टि बनाई है ये देखो ये सूखा घास भी कितना ब्यूटीफुल है इसकी आवाज देखो कितनी अच्छे आर वॉकिंग थ्रू द सेम जंगल आई एम वॉकिंग थ्रू द सेम जंगल सेम सिचुएशन लेकिन मेरा दृष्टिकोण ऐसा होगा कहाँ पर लेकर आए हैं चलने की जगह भी नहीं है ठीक से कांटे हर जगह चुप रहे हैं सूखे सूखे पेड़ हैं ये कोई जगह है जीवन वही है hmm. परिस्थितियां वही हैं गोल भी वो अलग है अलग अलग है। देखने का, का नजरिया अलग अलग है अब क्योंकि आपका नजरिया डिफरेंट है।, है आप मौज में एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जा रहे हैं मेरा नजरिया अलग है मैं पर परेशान होते हुए सिस्टर दूसरा आदमी ये भी तो कह सकता है ना आपको नेचर पसंद है मुझे एयर कंडीशन रूम पसंद है टीवी पसंद है इसलिए आप मजिले में चढ़ रही हूँ क्वेश्चन इज मुझे जीवन में हमेशा वो परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी जो मेरी फेवरेबल है मुझे अपने को वो तैयार करना होगा कि हर परिस्थिति में चलते हुए मैं कैसे अपने नजरिए को बदलते हुए खुश रहने का तरीका सीखूं अगर अगर मुझे खुशी रोज और हर पल चाहिए ये भी चॉइस है व्हेन एंड हाउ मच डू आई वांट टू बी हैप्पी इज एन एब्सोल्यूट चॉइस विच एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू मेक कैन यू रिपीट ब्यूटीफुल लाइन अगर आप इस चीज से खुश हैं कि एक साल परेशान उसके बाद एक दिन खुश इज ऑल्सो फाइन इट्स अच्छा आपसे पूछते हैं आपको एक साल में कितने दिन खुश रहना चाहिए मेरे को तो डेली 24 घंटे चौबीस घंटे इसका मतलब आप चाहते हैं की थ्री डेज आपको रोज खुश होना है Hmm. अच्छा चौबीस घंटे के अंदर कितनी देर खुश रहना चाहेंगे हमेशा हर पल मुझे तो खुशी के सपने भी आए मैं चाहूंगा हाउ सिंपल <laughs> तो ये आपको हियर यू हैव जस्ट चोजन दैट लेडी यू वांट टू बी ये आपकी चॉइस है अब अगर आप यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं Hmm. तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे यहां से यहां चल कर जाना है बीच में सिचुएशन भी आ सकती है नहीं भी आ सकती इट कुड बी अ स्मूथ ड्राइव और इट कुड बी अ ड्राइव फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है मुझे खुशी हर पल चाहिए नॉट खुशी यहां सी आपने पहले कहा इट इज नेचुरल टू से जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी लेकिन चाहना क्या थी हर पल खुशी दोनों चीजों में फर्क हो गया तो सबसे पहले कुछ भी और सोचने से पहले एवरीबडी टुडे आज हमारे जितना ये परिवार प्रोग्राम देख रहा है spend a day only talking to yourself. अपने आप से बात करते जाएं, करते जाएं, जाएं और पहले अपने जीवन के लक्ष्य चूज करें क्या चाहिए सिस्टर जीवन का लक्ष्य क्या है, Happiness है या वहां पहुंचना या खुशी खुशी चलना है या वहाँ पहुँच के चलना ये सब बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे लेकिन तब तक सभी थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में कि एक साल बाद खुशी वाले जीवन की बात सुन के तो सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं सोचेंगे क्या है okay. आपने तो होमवर्क दे दिया कि हर पल अगर चाहिए देन लेट्स बी रेडी टू डू वर्क ऑन दैट तो हर पल खुशी के लिए पहले से प्रोग्रामिंग करें कि मुझे हर पल खुश रहना है भले मैं अपने गोल पर थोड़ी सी देर से पहुंच जाऊं नेसेसरी फिर जल्दी भी पहुंच जाऊं हो भी सकता है ना भी पहुंचू खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है ओके दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग एंड वर्किंग विद माय सेल्फ मुझे साल बाद वाली खुशी नहीं चाहिए मुझे हर रोज हर पल खुश रहना है कैसे विल we'll सी हर रोज हर पल खुश रहना, रहना है yes. कैसे विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड Thank you so much. Om Shanti. Nice Happiness is not based on achievement. It is not the destination. It is on the journey. Happiness is a state of being created while working towards the goal, not a feeling to be experienced after achieving the goal. Obstacles on the journey are obstructions in our achievements, not obstructions in our happiness if we believe happiness is at the destination then we will experience fear and anxiety if there is any obstacle or delay on the journey if you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest raj yoga meditation center write to us at